तो पलवल में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बाइक सवार दो लोगों को पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार टैंकर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि टैंकर चालक टैंकर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। कैम थाना पुलिस ने मामले की मृतक दीपक के भाई की शिकायत पर टैंकर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया है। बता दें कि दीपक बाइक से आ रहे थे, तभी तेज रफ्तार गैस के टैंकर ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और जो मृतक है दीपक, ये मेरी बहन जी का मेरा भांजा लगता था। तो जन्माष्टमी के पर्व पे ये पंचवटी मंदिर जाने के लिए घर से निकले थे, फूलमाला भी ले आएंगे और पंचवटी मंदिर पर भी हो आएंगे। वाड़ी चौक से पहले पीछे अलीगढ़ की तरफ से आ रहा था, एक एलपीजी गैस का वो था टैंक का भरा हुआ, वो बड़ी पीछे से बड़ी स्पीड से आ रहा था। पुल पे लोग बता रहे थे बड़ी स्पीड में जा रहा था वो, और जैसे ही पीछे से उन्होंने इन टैंकर वाले ने इन दोनों बच्चों को हिट किया है, और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ वहाँ लोग बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और इनको यहाँ ले कर आए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है एक्सीडेंट का, और ये कल शाम तकरीबन 8:30 बजे अपने घर से निकल कर जा रहे थे, फूलमाला लेने जा रहे थे। पीछे से गाड़ी आई थी, टैंकर था गैस का, उसने इनमें टक्कर मार दी, ये एक्सपायर हो गए। क्या क्या नाम है दोनों एक्सपायर होने वाले? एक का नाम है दीपक, एक का नाम है केशव। तो जो टैंकर है उसको कब्जे में ले लिया है, फरार है? टैंकर को कब्जे में ले लिया है, चालक फरार है। चालक फरार है, चालक को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार